हेलो गाइस वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल ऑफ टिंग्स फोविन आज हम प्रीव्यू करने वाले हैं इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान का सेकंड टी ट्वेंटी इंटरनेशनल मैच जो कि आप पर लीड्स में खेला जाने वाला है क्या कुछ दोनों टीम्स की इंपॉर्टेंट प्लेयर्स एंड लाइनअप्स रह सकती है आज हम उस बारे में डिस्कस करने वाले इसी वीडियो में साथ ही साथ इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे और कौन से प्लेयर का क्या रोल रहने वाला है उस बारे में हम डिस्कस करने वाले इसी वीडियो में एज पर न्यूज़ एंड रिपोर्ट्स इंग्लैंड की टीम में थोड़े से चेंजेस होने के चांसेस मुझे नज़र आ रहे हैं साथ ही साथ उनकी रणनीति जो रहनी वो भी चेंज रहन, वो भी चेंज होने वाली है सो so, क्या उनकी चेंजेस रहने वाले हैं और क्या रणनीति में चेंज होने वाला है उस बारे में हम हैं डिस्कस हैं करने वाले वीडियो में बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद वीडियो है क्योंकि क्यों बहुत ज़्यादा स्टार्ट एंड इन्फॉर्मेशन हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं मेनली तो ये वेन्यू के ऊपर क्या स्टार्ट है प्लेयर्स के पाकिस्तान के प्लेयर्स के तो ज़्यादा कुछ स्टार्ट है ही नहीं मतलब है ही नहीं क्योंकि खेली ही नहीं इस वेन्यू पर इंग्लैंड के कुछ प्लेयर्स हैं जिनका यहाँ पर स्टार्ट बहुत ही ज़्यादा जोरदार है और उनको आपके आप उनको आपकी टीम में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको अच्छा खासा विन करना है तो, तो वो कौन से प्लेयर्स हैं उनके बारे में मैं आपको नीचे बताऊंगा तो एंड तक ज़रूर देखना है स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है मैच uh, डिटेल्स के बारे में बात करें तो ये पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड का सेकंड टी ट्वेंटी इंटरनेशनल मैच है फर्स्ट मैच अगर आपने नहीं देखा तो बहुत ही ज़्यादा आपने मिस कर दिया क्योंकि वो मैच जो था वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन था और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग था वो मैच जहाँ पर पाकिस्तान ने टू के आसपास कुछ सौ रन बनाया था और इंग्लैंड ने दो या दो सौ पे यहाँ पर सिमट गई थी सो so, ऐसा कुछ रहा था और अगर आप मुझे इस मैच के प्रडिक्शन के बारे में पूछोगे कि मैच किसके ज़्यादा जीतने के चांसेस है तो मैं वापस लूँगा पाकिस्तान का इनाम क्यों लूँगा क्या किस लिए लूँगा उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे देन वेन्यू के बारे में बात करें तो हेडिंगली ली लीड्स में इसका मैच होने वाला है डेट एंड टाइम के बारे में बात करें तो एटीन जुलाई जो कि आज है शाम सात बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से स्टार्ट होने वाला है कि सात बज इसीलिए क्योंकि तो पाकिस्तान में भी कुछ तभी आठ बज जाते हैं तो उस टाइम पे मैच स्टार्ट होगा लास्ट मैच बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया था पाकिस्तान के लिए लेकिन इंग्लैंड के लिए तो रेगुलर टाइम था वो पिच रिपोर्ट के बारे में अगर हम बात की जाए तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर एक भी इंटरनेशनल मैचेस खेला नहीं गया है लेकिन कुछ डोमेस्टिक मैचेस खेले गए उस हिसाब से हम लोग अंदाजा ज़रूर लगाएंगे सो एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर भी यहाँ पर नहीं निकल पाए क्योंकि इंटरनेशनल का है आगे हम लोग और बात करेंगे उसके पहले हम लोग बात करते हैं प्रोबेबल इलेवन के बारे में अब दोनों टीम्स की क्या प्रोबेबल एलेवन रह सकती है आ, अगर आप देखें तो ओपनिंग करते हुए फिर से यहाँ पर रॉय एंड डेविड मलान ओपन करते हुए नजर आ सकते हैं अब मलान को बहुत लोग ड्रॉप करेंगे क्योंकि उन्होंने लास्ट मैच में एक ही रन बनाया था लेकिन आज के इस मैच में मैं उनसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि बीस प्लस uh, रन बनाएगी वो ऐसा मेरा प्रडिक्शन रह सकता है क्यों रहने वाले उसके बारे में बताऊँगा तगड़ा इनका एवरेज है वर्सेस पाकिस्तान लास्ट मैच में नहीं कर पाया परफॉर्मेंस थोड़ा सा प्रेशर भी था क्योंकि पाकिस्तान की टीम ने यहाँ पर जोरदार टोटल लगा दिया था वन डाउन पे आगे जॉनी बेस्ट्रो शो एक जोरदार बल्लेबाज है और हिटिंग करता है तो बहुत जोरदार हिटिंग करता है ईन मॉर्गन आनी चाहिए टू डाउन लेकिन ऊपर प्रमोशन दिया जा रहा है मोहन अली को मोहिन अली को इसीलिए दिया था क्योंकि उनको लेफ्ट और राइट कॉम्बिनेशन करना था इसीलिए एंड लेम लिविंगस्टोन को भी ऊपर प्रमोट कर दिया गया था सो अगर हम आप हमसे पूछोगे तो ईन मॉर्गन हमें टू डाउन खेलते नजर आ सकते हैं ये कुछ इनकी मिडल ऑर्डर और टॉप ऑर्डर रहेगा लोअर ऑर्डर पे आप विली, करन, मैट और आदिल राशिद दोनों में से कोई एक खेलता हुआ नजर आएगा और शकीब महमूद सो फ्रेंड्स अगर आ, आप मुझसे पूछोगे कि पाकिस्तान और आ, आदिल रशीद में से कौन ज्यादा मैं प्रेफर करूँगा तो मैं आपको प्रेफर करूंगा वापस मैट पाकिस्तान को क्यों करूँगा एक तो भाई ये स्पिन इसकी बहुत ज़्यादा बेटर है यहाँ पर आदिल राशिद से राशिद को एक्सपीरियंस ज़रूर है विकेट टेकर भी है राशिद लेकिन स्पिनिंग पर जब आता है तो थोड़े से ज़्यादा टर्न कराता है मैट पार्किसन और ऊपर से इस वेन्यू के बारे में बात करें तो छः मैचज़ में बारह विकेट इस वेन्यू में इसके मैट पार्किसन के इसीलिए बोलता हूँ मैं थोड़ा सा आज के इस मैच में पाकिस्तान को ज़्यादा प्रेफर कर सकता हूँ ज़रूर बात करते हैं पाकिस्तान टीम के बारे में तो ये जो पैर है ओपनिंग का बहुत ही जोरदार पैर है और इम्पॉर्टेंट पैर भी है रिजवान और बाबर आजम ओपन करते हुए हमें नज़र आए गए रिजवान को हमने देखा लास्ट मैच में बहुत स्लो स्टार्ट दिया था लेकिन बाद में जैसे सेट हो गए थर्टी प्लस गए जोरदार इन्होंने हिटिंग करना स्टार्ट किया पार्किसन को भी इन्होंने बहुत बहुत ज़्यादा धोया था बाबर आजम तो बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट है ही शो यह मकसूद हमें वन डाउन बैटिंग करते हुए नज़र आए गए फकर्रजमन मोहम्मद हाफ़िज़ अब मोहम्मद हाफ़िज़ का जो एवरेज और आ, इस मैदान पे तो है नहीं लेकिन जो इस टीम के सामने है ना परफॉर्मेंस वो बहुत ही ज़्यादा तगड़ा और ज़ोरदार है शादाब खान शाहदाब खान एक इंपॉर्टेंट है कम से कम एक विकेट निकाल के जरूर देगा आपको इस मैच में ज़्यादा से ज़्यादा दो से तीन भी निकाल सकता है इमाद वसीम इमाद वसीम की अगर मैं बात करूँ तो इमाद वसीम यहाँ पर जेसन रॉय को इसने नॉक किया है जॉनी बेस्ट्रो को निकाला है डेविड मलान को निकाला है और प्लस पावर प्ले में बॉलिंग डालता है तो ये इनके आमना सामना वापस होने वाला है सो तो अगर ऐसा होता है तो इमाद वसीम वापस कामयाब हो गया यहाँ पर इनका विकेट चटकाने में फ़यी अशरफ़ हसन अली तो सॉरी नहीं खेल रहे हैं मोहम्मद हसन शाइन शाह आफ्रेदी और हेरी श्ररॉफ़ ये कुछ इनकी प्रोबेबल इलेवन रह सकती है अब हैरी श्रॉफ़ को मैंने लास्ट मन में ज़रूर बैक किया था लेकिन कुछ कर नहीं पाया खास आज हो सकता है अच्छा परफॉर्मेंस दे दे शाइन शाह अफ्रेदी अगर फर्स्ट बॉलिंग करती है पाकिस्तान तो वाइस कैप्टन मटेरियल बन जाता है ये बंदा प्लस मोहम्मद हसनैन भी एक इम्पॉर्टेंट है इस बंदे को सेकंड बॉलिंग करना भी पसंद है और फर्स्ट बॉलिंग करना भी पसंद है तो इसका ऐसा कुछ है नहीं कि ये सेकंड बॉलिंग करेंगे तो ये परफॉर्मेंस देंगे और फर्स्ट बॉलिंग करेगा तो ये परफॉर्मेंस देगा अब बात करते हैं प्लेयर स्टैट्स के बारे में तो अगर हम इंग्लैंड के बारे में बात करें तो पहले जेसन रॉय के बारे में बात करते हैं लास्ट मैच में बत्तीस रन जड़ के आ रहे हैं अच्छे फॉर्म में नज़र आए थे लेकिन टीम का साथ मिला नहीं तो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए ओवरऑल के बारे में बात करें तो फोर्टी सिक्स मैचेज में ट्रिपल वन नाइन रन है एक हज़ार उन्नीस रन है पच्चीस का एवरेज है वन फोर्टी टू का स्ट्राइक रेट है हेड टू हेड के बारे में बात करें तो पाँच मैचेस खेला है नाइन्टी वन रन है फिफ्टीन पॉइंट सेवन फाइव का एवरेज है और एक सौ बीस का स्ट्राइक रेट है तो आप देख रहे हो कि हिटकर ने ज़्यादातर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है इसका डेविड मालान के बारे में बात करूं तो ओवरऑल 28 मैचेस इसने खेले हैं 1091 हज़ार रन स्कोर किए हैं 45 का एवरेज है वन फोटी फोर का स्ट्राइक रेट है बहुत ही तगड़ा बल्लेबाज है और टी ट्वेंटी में नंबर वन रैंकिंग है कुछ तो रीज़न होगा इसीलिए हेड टू हेड में चार मैच में एटी फाइव रन है थर्टी एट का एवरेज वन ट्वेंटी फाइव का स्ट्राइक रेट है वेन्यू के बारे में बात करें तो पाँच मैच में फिफ्टी सेवन रन है ये वेन्यू में थोड़ा सा मार्क आ जाते हैं ज़्यादा रन नहीं बना पाए हैं जॉनी बेस्ट्रो ओवरऑल फिफ्टी फाइव मैचेज में वन वन टू फाइव रन है एवरेज है अट्ठाइस का स्ट्राइक रेट है वन थर्टी एट का हेड में सात मैचेस में 142 फोटी टू रन है थर्टी वन पॉइंट सेवन फाइव का एवरेज है वन फोर्टी टू का वन ट्वेंटी फोर का स्ट्राइक रेट है वेन्यू में थर्टी टू में सेवन सेवेंटी फोर रन है और थर्टी टू का एवरेज है तो आप देख सकते हो इस बंदे का यहाँ पर भी एवरेज तगड़ा है यहाँ पर भी एवरेज एवरेज तगड़ा है और यहाँ पर भी एवरेज तगड़ा तो ये एक इंपॉर्टेंट है प्लेयर प्लस इसके बारे में बताऊँ ना तो लास्ट वक्ट में इसने दो से तीन कैचेस पकड़े थे तो वहाँ पर ही हमें ट्वेंटी फोर पॉइंट्स निकाल के दिया था कैचिंग में और अगर तीस रन मार जाता है ना ये बंदा तो बहुत ही ज़्यादा तगड़ा था और ये तीस रन में एक छक्का तो इसका हो गई दो से तीन चौके हम एक्सपेक्ट ज़रूर कर सकते हैं इससे तो आप देख सकते हो कितने थर्टी फाइव तो यहाँ पर ही निकाल के दे देगा और ये मतलब सेवेंटी टू एट्टी पॉइंट्स निकाल के देने की आज इसकी संभावना है ये मैं आपको बोल सकता हो अगर ये तीस रन के आसपास बनाया था है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर होगा मस्ट पिक कैप्टन एंड वाइस कैप्टनसी में आप इसे जरूर दे ही सकते हो लैम लिविंग छह मैचेस मैचेज में 162 सिक्सटी टू रन है सत्ताईस का एवरेज एक सौ सात का स्ट्राइक रेट है हेड टू हेड में एक मैच में 103 रन है और 103 का एवरेज जो लास्ट मैच खेला था वही है वेन्यू में पांच मैच में एक रन तेईस का एवरेज और 163 का स्ट्राइक है तो ओवरऑल ठीक ठाक है बंदा लेकिन अभी नीचे आने वाले ओपन तो करने नहीं वाला है तो इसके आंकड़े कुछ और भी हो सकता है लास्ट मैच में खेल गया लास्ट मैच में मैदान भी छोटा था ईन uh, मॉर्गन के बारे में बात करें तो ओवरऑल इन्होंने एक सौ नाइन पाँच मैचेस खेले हैं दो हज़ार तीन सौ तेईस रन है आप देख सकते हो कितना ज़्यादा एक्सपीरियंस है क्यों फालतू का नीचे आ रहा है पता नहीं थोड़ा सा ऊपर आ गया तो ज़रूर रन बना के देगा ट्वेंटी नाइन मैचेज में वन थर्टी नाइन का स्ट्राइक रेट है ट्वेंटी नाइन एवरेज है वन थर्टी नाइन का स्ट्राइक रेट है uh, हिटवर्ड के बारे में बात करें तो uh, यहाँ पर फिफ्टीन मैचज में तीन थ्री नाइन्टी रन है वन थर्टी नाइन का स्ट्राइक रेट और थर्टी नाइन का एवरेज है तो आप देख सकते हो कितना जोरदार है वर्सेस हेड टू हेड भी और यहाँ पर एवरेज भी अगर ऊपर आता है तो बंदा जरूर इंपॉर्टेंट होगा जी पिक में आपको इसे ज़रूर ट्राई करना चाहिए और अगर इंग्लैंड फर्स्ट बैटिंग करेगी तो भी आपको इसको जरूर ट्राई करना चाहिए मोइन अली थर्टी फाइव में थ्री नाइन्टी रन लगभग चार के आसपास पास ही अठारह विकेट से वन का स्ट्राइक रेट है सत्रह का एवरेज है हेड टू हेड के बारे तो में बात करें तो छः मैचेज में एट्टी थ्री रन है सत्रह का एवरेज एक का स्ट्राइक रेट और तीन विकेट है वेन्यू तीन मैच में उन्नीस रन और एक विकेट है टॉम बैंटन नौ मैचेस में 205 रन है तीस का एवरेज है 143 फोर्टी थ्री का स्ट्राइक रेट है अब टॉम बैंटन का यहाँ पर ब्लास्ट का परफॉर्मेंस के का कारण इन्हें ऊपर जगह मिल पाई है अगर खेलता है तो इंपॉर्टेंट प्लेयर ये भी रहने वाला है तीन मैचेस में 137 थर्टी सेवन रन है हेड टू हेड में फोर्टी सिक्स का एवरेज है वन फिफ्टी फोर का स्ट्राइक रेट है हेड टू हेड भी जोरदार है लेकिन नीचे आएगा बैटिंग करने तो हो सकते हैं फ्लॉप भी हो जाए देन अगर क्रिस जॉर्डन के बारे में बात करें तो लास्ट मैच में ज़रूर जगह नहीं मिल पाई थी लेकिन इस मैच में मुझे लगता है डेविड विले की जगह ज़रूर आ सकता है और अगर आता तो ये एक अच्छा और इम्पॉटेंट है टी ट्वेंटी स्पेशलिस्ट है 63 मैचेस में 73 विकेट्स है इस बंदे के एट पॉइंट एट की इकोनॉमी रेट है और वर्सेज़ हेड टू हेड में थोड़ा सा कम है सात मैचेस में चार विकेट है अब फ्रेंड्स आप यहाँ पर जो इंग्लैंड के बॉलर्स देखोगे वो हेड टू हेड में बहुत ज़्यादा कम है ज़्यादा मतलब अच्छे नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि पाकिस्तान का जो बैटिंग ऑर्डर है टी ट्वेंटी में बहुत ही ज़्यादा तगड़ा है पी एस एल में भी इनका मतलब एकदम एक अच्छा रोल बन चुका है और अगर आप मुझसे पूछोगे ना तो वही वर्ल्ड कप में है ना ये मैं इनको सेमी तक तो आते ज़रूर देखता हूँ और फाइनल भी अगर खेल जाएगी तो मैं ज़्यादा हैरान नहीं होगा पाकिस्तान एक बहुत ही तगड़ा टीम नज़र आ रहा है मुझे ओवरऑल प्लस इनका जो पेसिंग अटैक है वो भी जोर बहुत ज़्यादा ज़ोरदार है आमिर को यहाँ पर निकाल दिया गया अगर मोहम्मद आमिर भी होते तो वो भी जोरदार होते लेकिन वो ही चले गए क्योंकि उनको मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं यूज़ कर रहा था ऐसा उनका बोलना था सो हसन अली भी है वो अभी नहीं खेल रहे रेस्ट दिया गया है तो इनके पास एक पेसिंग अटैक जो है बहुत ज़्यादा ज़ोरदार है उस्मान कादिर को भी अब तक मौका नहीं मिला अगर उस्मान कादिर भी यहाँ पर खेलते तो एक बहुत ज़्यादा अच्छा आ, स्पिनर है लेग स्पिनर है वो भी एक अच्छा इम्पैक्ट ला सकता है यहाँ पर सो so, हेडवेड में तो कम है क्रिस जॉर्डन का वही बात करें शकीफ महमूद तो सात मैचेस में चार विकेट है ओवरऑल टी ट्वेंटी में हेडवेड में चार मैचेस में एक विकेट है आप देख सकते हो और इस वेन्यू में बात करें तो दो मैचेस में चार विकेट है वेन्यू में तो अच्छा है लेकिन हेड ट्वेट और ओवरऑल ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं है टी में आदिल राशिद अगर इसको चांस मिलता तो ये भी एक इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकता है सिक्सटी मैचेज में फिफ्टी नाइन रन है और फिफ्टी नाइन विकेट्स है सेवन पॉइंट फाइव की इकोनॉमी रेट है बेस्ट व्लेयर है एटीन फॉर फोर हेटोड में बात करें तो नौ मैचेज में छः विकेट है सेवन पॉइंट फाइव की इकोनॉमी रेट है वेन्यू में फोर्टी एट मैचेज में फिफ्टी एट विकेट्स है सेवन पॉइंट एट की इकोनॉमी रेट है मैच पाकिस्तान के बारे बात तो में, 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 में बात करें तो दो मैचेस में पाँच विकेट है हेड टू हेड में एक मैचेस में जीरो विकेट है और वेन्यू में बात करें तो छः मैचेस में बारह विकेट है इनको लोगों ने बहुत ज़्यादा ड्रॉप किया है परसेंटेज सिलेक्शन भी इनका बहुत ज़्यादा कम है लो हो गया है आपको इन्हें ज़रूर ट्राई करना चाहिए मैं तो बोलूँगा आप इसको एस में भी लेके जा सकते हो ज़रूर और जी में दो से तीन टीम आपके टीम में रहने चाहिए और एक टीम में आप इन्हें ज़रूर कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी दे सकते हो डेब्यू वेली ओवरऑल तीस मैच में थर्टी विकेट्स हैं फोर पर सेवन बेस्ट फिगर है इसका और एट का इकोनॉमी रेट है हेड हेटवर्ड में चार मैचेज में तीन विकेट है वेन्यू में छब्बीस मैचज में अट्ठाइस विकेट्स है टॉम करन अट्ठाईस मैच में छब्बीस विकेट्स नाइन पॉइंट थ्री की इकनॉमी रेट है बेस्ट फिगर ट्वेंटी टू फॉर फोर हेटवर्ड में चार मैचेज में तीन विकेट है और एट पॉइंट नाइन की इकोनॉमी है वेन्यू में तो खेले नहीं है अब बात करते हैं पाकिस्तान प्लेयर स्टार्ट के बारे में फखरा जमान यहाँ पर हमें हो सकता है आ, नीचे बैटिंग करते हुए वापस नजर आ जाए इमाम तो नहीं खेलने वाला है बट स्टिल उनके बारे में मैंने निकाल दिया है आपके लिए जस्ट फॉर एक जनरल इन्फॉर्मेशन फ्रेंड्स बुरा मत लगाना फोटी सेवन मैचेज में नाइन फोर्टी सेवन रन से ओवरऑल चौबीस का एवरेज 135 वन थर्टी फाइव का स्ट्राइक रेट है हेड टोड में पाँच मैचेज में सत्तर रन से वन फोर्टी वन का स्ट्राइक रेट है सोलह का एवरेज है वेन्यू में खेले नहीं है अभी तक इमाम के बारे में बात करें तो दो मैचेज में 21 रन है एटी फोर का स्ट्राइक रेट है हेट्रेड में एक मैचेस में, में सात रन है और वेन्यू में तो खेले नहीं हैं और बाबर आजम के बारे में बात करें तो 55 मैचेस मैचेज में टू वन टू जीरो रन से जबरदस्त एटी फाइव रन के पारी खेल कर आया लास्ट बार में एवरेज जो इनका था फोर्टी के आसपास था जो कि अब बढ़ के फोर्टी के आसपास आ गया है वन का स्ट्राइक रेट है हेड टू हेड में छः मैचेस में 242 फोर्टी टू रन है फिफ्टी फाइव का एवरेज है थे वन थर्टी सिक्स का स्ट्राइक रेट है सबके कैप्टन रहने वाले यूनिवर्सल कैप्टन रहने वाले और जब ऐसा होता है और अगर आप फोर टू सिक्स मेंबर लीग खेलते हो तो थोड़ा सा रिस्क लेना चाहे इसे इन्हें आपको कैप्टन नहीं बनाना होता है ऐसे लीग में इन्हें आपको वाइस कैप्टनसी या तो फिर कुछ भी नहीं बनाना होता ये रिस्क है और ये रिस्क एस पर मतलब आपके खुद के ऊपर रहता है जैसे आपके रिस्क ये बस मेरा एक सजेशन है मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपको इनको ड्रॉप ही करना है या इन्हें कैप्टन नहीं बनाना वाइस कैप्टनसी तो सेफेस्ट होगा कैप्टन भी आप बना सकते हो ले है, बहुत बहुत ज़बरदस्त ले में चल रहा है मोहम्मद रिजवान इंपॉर्टेंट है ओपन करना है बाबर के साथ और बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंसी दिखाई है इसने लास्ट के छः सात महीनों में चाहे वो पी हो चाहे वो इंटरनेशनल क्रिकेट हो जब से ओपन करने लगे तब से बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देते जा रहे हैं थर्टी सेवन मैचेज में नौ सौ छः रन है फोर्टी सिक्स का एवरेज है वन ट्वेंटी सेवन का स्ट्राइक रेट है हेड टू हेड में छः मैचेज में नाइन्टी थ्री रन है सत्रह का एवरेज है नाइन्टी का स्ट्राइक रेट है वेन्यू में फ़िलहाल कुछ किया नहीं है वेन्यू में तो कोई भी पाकिस्तान प्लेयर्स ने अच्छा कुछ किया नहीं है क्योंकि मैचेज ही नहीं हुआ है शकीब महमूद के बारे में बात करें शोए महमूद मेह, के बारे में मकसूद के बारे में सॉरी बीस मैच में टू ट्वेंटी वन रन है तेरह का एवरेज है वह एक सौ नौ का स्ट्राइक रेट है हेट में दो मैचेज में छब्बीस रन है एक सौ अठारह का स्ट्राइक रेट है तो आप देख सकते हैं ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया है शाउट शकील के बारे में बात करें तो अठारह मैच में टू थर्टी एट रन है पाँच विकेट लिए हैं और वन ट्वेंटी सेवन का स्ट्राइक रेट है फहीम अशरफ एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर हो सकता है और जो कि बैटिंग भी कर लेता है डीपेक फोटी टू मैच में यहाँ पर टू फिफ्टी नाइन रन है थर्टी फाइव विकेट्स है वन रोड एट का स्ट्राइक रेट है सेवन पॉइंट फोर तो का इकोनॉमी रेट है हेड टू हेड मैचेज में एक मैच में सत्रह रन अब फ्रेंड्स आपको क्या करना है अगर ये बंदा खेलता है तो आपको जेल में ज़रूर ट्राई करना है और अगर फर्स्ट बॉलिंग करती है पाकिस्तान की टीम तो इसे एस एल में भी जरूर ट्राई देना है क्योंकि ये पावर प्ले में हो सकता है हमें एक से दो ओवर डालते हुए नजर आ जाए हसन अली हसन अली खेलने नहीं वाला है स्टिल आपको बता दूँ 36 सिक्स मैचेज में इनका विकेट है 48 और हेड टू में दो मैचेज में तीन विकेट है शाह शाहफ्रीदी के बारे में बात करें तो 25 मैच में 27 विकेट है 7.9 पॉइंट नाइन की इकोनॉमी रेट है हेड टू हेड चार मैचेज में तीन विकेट है और 8.9 की इकोनॉमी रेट है शादाब खान 46 मैचेस में 183 एटी थ्री रन फिफ्टी थ्री विकेट है सेवन पॉइंट थ्री की नॉमिनेट रेट है अब इंग्लैंड के सामने इसकी बात करूँ तो इसके इंग्लैंड के सामने बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस है इसने यॉन मॉर्गन को नॉक किया हुआ है इसने टॉम बैंटन को नॉक किया हुआ है इसने जेसन रॉय को नॉक किया है मोस्टली सो एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाला है शादाब खान हैरिस रॉफ के बारे में बात करें तो उन्नीस मैच में पच्चीस विकेट है ओवरऑल और हिटर्ड में तीन मैचज में तीन विकेट है मोहम्मद हाफीज़ ये एक इंपॉर्टेंट बंदा है ऊपर आने वाला है मतलब मोस्टली थ्री डाउन बैटिंग करते हुए हमें देखने को मिल सकता है और प्लस बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट और इंपॉर्टेंट प्लेयर है आपको आगे पता ही चलेगा ओवरऑल एक मैचेस खेले हैं टू थ्री एट एट रन स्कोर किए हैं एवरेज है, है सत्ताईस का एक का स्ट्राइक रेट है प्लस फिफ्टी फाइव विकेट ओवरऑल सिक्स पॉइंट फाइव की इकोनॉमी रेट है में टू में बारह मैचेस में टू एटी नाइन रन से ट्वेंटी नाइन का एवरेज है वन ट्वेंटी एट का स्ट्राइक रेट है प्लस इसने ईवन मॉर्गन को दो बार आउट किया है तो आप देख सकते हो जब लेफ्ट हैंडर्स आएंगे है, तो अब हफीज़ को ऊपर बॉलिंग करा, या जा सकता है ज़रूर शर्जील खान अगर मौका मिलता तो ये भी एक बड़ा प्लेयर है सत्रह मैचेस में थ्री एटी सिक्स रनज है तेईस का एवरेज है वन थर्टी थ्री का स्ट्राइक रेट है एक मैचेज में फिफ्टी नाइन रन है हेड टू हेड में वन सिक्सटी थ्री का स्ट्राइक रेट फिफ्टी नाइन का एवरेज मतलब आप देख सकते हो इंग्लैंड के साथ में भी कितना जोरदार परफॉर्मेंस है इसका ओवरऑल भी अच्छा है अब इसके बारे में अगर मैं बात करूँ तो बाबर आजम के साथ इसे ओपनिंग करने का मौका मिलने वाला था बहुत बातें चल रही थी पाकिस्तान में कि शर्जिल को बाबर के साथ ओपन कराया जाना चाहिए लेकिन उस वक्त आ गए मोहम्मद रिजवान और अब वो सेट हो चुके हैं तो शर्जिल का मौका मुझे थोड़ा सा कम नज़र आ रहा है सिर्फ कैप्टन आज कैप्टन ऑप्शन के बारे में बात की जाए तो डेविड मलान मोहम्मद रिजवान बाबर आजम ये कुछ आपके रहने वाला है रिस्की के बारे में थोड़ा बात करें तो बैशरो मोहम्मद हफीज और जैसन रॉय ये कुछ हमें देखने को ज़रूर मिलने वाला है बात करते हैं ड्रीम इलेवन टीम की उसके पहले बता दूँ टेलीग्राम चैनल में अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं हुआ है तो आप बहुत बड़े लॉस में हो दिन के दस मैचेस में से हम लोग सात से आठ मैचेस क्लीन स्वीप कर रहे हैं फ्रेंड्स जी या सही सुना आपने एक बार आके आप जरूर रिजल्ट्स वगैरह सब कुछ चेक कर सकते हो सब कुछ ट्रांसपेरेंसी के साथ हमारा वर्क होता है सो आप जाके जल्दी जल्दी देख लीजिए वहाँ पर लिंक इन आर डिस्क्रिप्शन बॉक्स सो तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं विकेट कीपिंग सेक्शन से मैंने बेस्ट फ्रेंड मोहम्मद रिजवान को लिया हुआ है इनको लेने का एक ही कारण है कि अगर विकेट्स गिरते हैं पीसेस लेते हैं तो एक एक कैच हमें निकाल के देख सकते हैं आठ पॉइंट्स तो वही निकालेंगे प्लस अच्छी फॉर्म में भी दोनों नज़र आए हैं जो देन बैटिंग सेक्शन से अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने मोहम्मद हफीज़ बाबर आजम को लिया पाकिस्तान टीम से इंग्लैंड टीम से जेसन रॉय डेविड मलान को लिया ऑलराउंडर सेक्शन से शादाब खान और इमाद वसीम का और मैंने बैक किया है पंट पिक रहने वाले हैं हमारा और आज मुझे लगता है कि एक विकेट जरूर निकालेगा बॉलर सेक्शन से अगर हम बात करें तो टॉम करन को मैंने लिया हुआ है यहाँ पर महमूद को थोड़ी सी जगह नहीं मिल पाई लेकिन टॉस के ऊपर भी बहुत कुछ बेस रहेगा कि कौन सा प्लेयर खेलेगा और कौन सा नहीं खेलेगा साहिशाह आफ्री जी को लिया मोहम्मद हसनैन को लिया हुआ है अब आप देख सकते हो कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी मैंने दोनों ही पाकिस्तान को दिए इसका रीज़न भी मैंने आपको बताया कि इंग्लैंड बॉलर्स का ज़्यादा अच्छा रिकॉर्ड नहीं है वसिस पाकिस्तान ज़्यादा विकेट्स निकालने में कामयाब नहीं रहे इस मैच में भी यार मुझसे पूछोगे तो चार से पाँच विकेट ही ले पाएंगे यहाँ पर पा, इंग्लैंड की टीम ऐसा मुझे लगता है अगर पाकिस्तान का मुझे लगता है पाकिस्तान अगर खेल जाए तो यहाँ पर विकेट लेने के चांसेस छः से सात या आठ विकेट हो सकता है इंग्लैंड की टीम चटका दे पाकिस्तान के पाकिस्तान का चलना जरूरी है सो आप देख सकते हैं कैप्टन बाबर वाइस कैप्टन रिजवान सिर्फ कवर में बात करूँ तो वाइस कैप्टन से आप इन्हें बेस्ट्रो को जरूर दे सकते हो तो so, ये कुछ हमारी फिलहाल के लिए टेम्पररी टीम है फाइनल टीम टेलीग्राम में मिल जाएगी लिंक इन ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑल द बेस्ट फॉर दिस मैच एंड हैव अ नाइस डे